अपने नबी को मानने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले आ गए। अपने नबी को मानने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह व अलैकुम असहाबी या हबीबुल्लाह। एज़ पर योर डिमांड, दुनिया भर के आशिकान मुस्तफ़ा ने डिमांड की थी कि हमने उर्तुगल गाजी पे को देखना है। फेसबुक के जरिए हमें मैसेजेस मिले। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं कि उर्तुगल गाजी के प्लेस पर अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सौगत सिटी का नाम है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो मैं तमाम को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और यहाँ पर मौसम इतना ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं ये बर्फ़, या बर्फ़ देख सकते हैं, ये इतना ठंडा मौसम हो रहा है। पूरा शहर जो है ना, ये वाइट हो रहा है। और नूरे कौसर का अल्हम्दुलिल्लाह काफिला इस वक्त यहाँ पर, सोगत का ये शहर है, इस्तांबुल का, तुर्की का ये शहर है सोगत। और सोगत में जो उर्तुगल गाजी का मज़ार है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम आ चुके हैं। आप बर्फ़ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो हम आपको ले चलते हैं उर्तुगल गाजी के, जो सब देखना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये उर्तुगल गाजी। और मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने भी कहा था कि देखना ज़रूर और हमें भी दिखाइएगा। और जितने दोस्त ने मैसेज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त उर्तुगल गाजी के मज़ार पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये जिसके बाहर का जो एरिया है। और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये उर्तुगल गाजी जो कि इस वक्त वर्ल्ड रिनाउन है, पूरी दुनिया जानती है, बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा शौकीन है। ये आप देख सकते हैं ये उर्तुगल गाजी। सलातुस्सलाम अलैके या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या हबीबल्लाह। सलातुस्सलाम अलैके या नबीय्यल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या नूरल्लाह। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और ये दूसरी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। यह आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इन्होंने तुर्की लैंग्वेज में कुछ लिखा है। बंद है ना मज़ार शरीफ, देखते हैं यहाँ से। मज़ार शरीफ इन्होंने कोविड की वजह से शायद बंद किया हुआ है, तो हम बाहर से ये देख रहे हैं आप। उगलू उस्मान गाजी एम कबीर, ये कब्रें बनी हुई थी यहाँ पर, और ये कब्रें बनी हुई हैं। ये उर्तुगल गाजी का मज़ार का आता है। ये कोविड की वजह से इन्होंने शायद बंद किया हुआ है। हम फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये देख रहे हैं इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, सलातुस्सलाम अलैका सय्यदी रसूलल्लाह। ये सराउंडिंग है और ये कोविड की वजह से शायद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अंदर जाने दें, तो देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। ये सारे देख रहे हैं आप, ये कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर। ये जितना यहाँ पर ये कब्रिस्तान का हिस्सा आता है, ये कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई है। ये बाहर का हिस्सा है। हजरत क्या कहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला आसानी, आज हम एक गाजी दौरा के बागान खड़े हुए हैं और गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बागा में बड़ी तबाहुदौक के साथ हम यहाँ पर मुश्किल से आए। रात को भी आना था मगर चूँकि बर्फ़बारी हो गई बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हम चले गए। अब सुबह दोबारा आए हैं और आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो नूर की चादर छाई हुई है, माशाल्लाह। दरख्तों पर और घरों पर, तमाम जगहों पर, ये सामने मज़ार उनका नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम या गाज़ी दौरा, अस्सलाम वालेकुम या ये लिखा हुआ भैया पर शरफ़ शौकत आलमिया सुल्तान हमीद अल वहाब नदाद हज़रत अर्तुगरुल गाजी, माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं ये अंदर, ये स्काउट इनका घूम रहा है, लेकिन ये अलाउ शायद ना करें हमें। ये कह रहे हैं नो, ये अलाउ नहीं कर रहे अंदर। लेकिन ये अर्तुगरुल गाजी साहब का मज़ार है और ये शायद मना कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे अंदर कोविड की वजह से शायद। तो ये उर्तुगल गाजी साहब का मज़ार है और ये मज़ार का पूरा आता है।
और यहाँ से आप मजार शरीफ की आपको ज्यारत कराते हैं, करीब से करीब तर जाके इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या हबीबल्लाह। ये आप ज्यारत कर सकते हैं उर्तुगल गाजी की अलैहि रहमा के मजार शरीफ की। ये मजार शरीफ है उर्तुगल गाजी का, और जो कि आप बाहर से इस वक्त मंजर देख सकते हैं। हम यहीं से इंशाल्लाह फातिहा पढ़ेंगे और यहीं से इनको सलाम अर्ज करेंगे। ये गाजी दौरा हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त पुर्तगाल गाजी का ये मजार शरीफ। सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या गाजी दौरा, अस्सलाम अलैकुम या पुर्तगाल गाजी, सलातो वस्सलाम अलैका या नबीअल्लाह व अलैहि वसहाबिक या नूरुल्लाह। कोविड की वजह से यहाँ पर अंदर आने में पाबंदी है, मजार शरीफ को बंद किया हुआ है। और ये पुर्तगाल गाजी का आप इस वक्त मजार शरीफ आप देख रहे हैं माशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इन औलिया अल्लाह ने दीन को बचाने के लिए बड़ी तगड़ो की है, इनकी कोशिशों इनकी मेहनतों का सदका अल्लाह तबारक ताला हमें भी गाजी मिल्लत बनाए, अल्लाह तबारक ताला हमें भी इस्लाम का सिपाही बनाए, इस्लाम से खिदमत इस्लाम की करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो हम भी यहाँ पर इंशाल्लाह दुआ गो हैं आपके लिए, आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा, हमारे पेज में साथ रहिएगा इंशाल्लाह। मजीद इस्तंबुल की बारगाहों की हाजिरी है, हज़रत अय्यूब अंसारी जो मेहमान रसूल हैं, जिन्होंने हुजूर की मेज़बानी की थी, मेज़बान रसूल जो थे, उनकी बारगाह की हाजिरी है। मौलाना रूम पे जाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ हाजिरी हुई हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अभी हम हैं पुर्तगाल गाजी अलैहि रहमा के मजार शरीफ पर, और कल हमने आपको ज्यारत कराई इनके बेटे उस्मान गाजी साहब के मजार शरीफ पर, और उनके पोतों की बारगाह में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल हाजिरी दी। अभी हम पुर्तगाल गाजी के मजार शरीफ पर हैं। अल्लाह तबारक तआला की इन पर रहमत हो, इनके सदक़े अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए, और अल्लाह हमें ईमान पे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आप तमाम की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नूर कौसर का ये काफिला इस वक्त पुर्तगाल गाजी पे पहुँच चुका है, जो कि सौगत तुर्की का एक शहर है, खूबसूरत शहर। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप दुआ कीजिएगा, और बार बार दोस्त साहब आप कहते हैं कि हमें भी आना है, तो आप हमें इनबॉक्स कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर ज़रूर उसकी डिटेल से आगाही देते रहेंगे। आप तमाम माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा फी। ये सब दुआ कर रहे हैं हमारे ग्रुप वाले, आप सब के लिए दुआ गो हैं। साहिद भाई क्या कहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला का फजल करम से नूर कौसर के मुतवस्सित अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की का सफर किया, पहुँच चुके हैं। दिली तमन्ना हसरत पूरी हुई, आप सब से भी गुजारिश है इनके ज़रिए यहाँ पहुँचे और इंशाल्लाह ताला खूब खूब इंजॉय करेंगे। मौसम ने बहुत भी बहुत साथ दिया, बर्फबारी भी साथ चल रही है। आप इनके साथ सफ़र करें, उम्रे पे करें, बगदाद शरीफ करें, हज करें, और ये तुर्की का नया नया रूट शुरू किया है, इस पर भी करें इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई साहब कुछ फरमा दें, क्या कहते हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी पहली मरतबा और नूर कौसर के साथ पहली मरतबा, लेकिन ये है कि मेरे दामाद वगैरह हज के सिलसिले में गए थे इन्हीं ग्रुप के साथ, उनको बहुत मज़ा आया था। कभी ये है कि जब ये तुर्की का प्रोग्राम बना रहे थे तो मैंने अपने दामाद से तस्कर के उन्होंने कहा इनके साथ बहुत मज़ा आएगा, आप इनके साथ हिम्मत करके चले जाएँ। अल्लाह का शुक्र है मैं नवंबर के साथ अटैच था, लेकिन ये प्रोग्राम जाकर फरवरी में बना, और जैसे ही हम लोग इनके साथ ग्रुप में शामिल हुए माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छे लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा आप भी सफ़र करें इनके साथ, हम भी इंशाल्लाह ताला इन्हीं के साथ अटैच रहेंगे, क्योंकि इनका ताउन हर जगह उन्होंने सहूलतें काफ़ी दी, होटलिंग वगैरह और टूरिस्ट के मौके पर हर जगह खाना पीना हर चीज़ यानी एक्यूरेट मिली है। तो अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम इन्हीं के साथ सफ़र करेंगे। और आपसे भी दरख्वास्त, अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, बहुत शौक था कि यहाँ हम आए, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पहुँच गए हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह पुर्तगाल गाजी की, क्योंकि हमारे बच्चे भी यही कहते हैं नवासे वगैरह हमें भी आना है। माशाल्लाह ये आप ज़ियारत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पुर्तगाल गाजी साहब का मजार शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह पुर्तगाल गाजी साहब का मजार शरीफ है। ये हमारी तो कोई कुछ भी नहीं है, हम तो खिदमत कर रहे हैं, जो मेहमान हैं अल्लाह के वली के
उनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। हत्तुल इम्कान कोशिश की माशाल्लाह। ये देखें ज़ियारत के लिए उन्होंने खोल दिया। अस्सलामु अलैकुम, हय्याकुमुल्लाह, 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 सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका।